नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। तो एनडीए में सीटों को लेकर रार बरकरार है। एनडीए में अब तक सीटों को लेकर तालमेल नहीं बैठा पाए हैं एनडीए के सारे घटक दल। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज एलजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक है और ये बैठक दिल्ली में होनी है। चिराग पासवान की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। और ये बैठक क्यों हो रही है, दरअसल हम आपको ये बता दें कि बीजेपी ने एलजेपी को अंडर 20 का ऑफर दिया था, यानी सीटें जो हैं 20 ही देने का ऑफर मिला था बीजेपी की तरफ से। और इसको लेकर एलजेपी कहीं ना कहीं पहले से भी खपा चल रही थी कि उन्हें ज़्यादा सीटें चाहिए, लेकिन अब अंडर 20 का जो उन्हें ऑफर मिला है इसको लेकर ये बैठक कर रहे हैं चिराग पासवान की। लगातार एलजेपी द्वारा कहा जा रहा था कि वो 143 सीट पे, पहले ये बातें आ रही थी 143 सीट चाहते हैं, फिर ये बातें हुई कि वो 36 सीटें चाहते हैं, लेकिन अब जो बीजेपी ने ऑफर दिया है वो अंडर 20 का ऑफर है। इसमें चिराग पासवान क्या फैसला लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। एलजेपी की आज संसदीय बोर्ड की बैठक है, शाम 5 बजे से ये बैठक होगी और तमाम एलजेपी के बड़े नेता दिल्ली पहुंचेंगे और चिराग पासवान के साथ बैठक होगी। आगे देखना होगा कि क्या एलजेपी एनडीए में रहती है या एनडीए से बाहर होती है, ये देखने वाली बात हो, क्योंकि सीट को लेकर लगातार पेच फंसा हुआ है। एनडीए का अब तक सीट बंटवारा नहीं हो पाया है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पर चुनाव को लेकर जो तारीख है वो नज़दीक आ रहे हैं और नामांकन की प्रक्रिया भी चल रही है, और इसी क्रम में अब तक एनडीए में सीटों को लेकर कोई भी बातचीत नहीं हुई है, कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। इसलिए जल्दबाजी है ताकि जल्द से जल्द सीटों को लेकर जो बंटवारा करना है, जो फैसले लेने हैं वो लिए जा सकें, क्योंकि 8 अक्टूबर तक ही नामांकन होगा। इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, पहले दिल्ली में, फिर पटना में, और अब एक बार फिर से एलजेपी बैठक करेगी और देखना हो कि क्या एलजेपी फैसला लेती है, क्या वो एनडीए से बाहर होती है या एनडीए का हिस्सा रहती है और अंडर 20 का ऑफर एक्सेप्ट करती है। ये देखने वाली बात होगी कि एनडीए में कब तक सीटों को लेकर जो जिच है वो बरकरार रहती है या जल्द ही जल्द कोई फैसला लिया जाता है। तमाम जो बीजेपी के दल हैं, जेडीयू के दल हैं, एलजेपी के दल हैं, क्या ये साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं या कुछ टूट फूट होती है, देखना पड़ेगा। फिलहाल एनडीए में क्या कुछ फैसला लिया जाता है ये देखने वाली बात होगी। पल पल के अपडेट के लिए आप कशिश न्यूज़ देखते रहिए।